जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त की दुखद खबर सामने राजस्थान के सीकर जिले से निकल कर आ रहे हैं। राजस्थान सीकर का वीर सपूत जवान धर्मेंद्र सिंह शेखावत देश की सेवा देते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना घर पर पहुंचते ही पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। पूरे परिवार परिजनों को रो रो का हाथ बेहद ही बेहोशी बन चुका है। कहा जाता है मेरे दोस्त कि हम चैन से सो पाए, इसीलिए वो सो गया। वो भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। आपको बताते चले कि यह जवान राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले थे और यह जवान देश की सेवा देते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए हैं। मुनियाबाद सीकर का भारतीय सीमा सुरक्षा बल 1044 आर्टिकल बीएसएफ के जज्बात सिपाही धर्मेंद्र सिंह शेखावत सोनू 3 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में सोनू कुमार शहीद हो गए। गुलमर्ग के पोस्ट पर तैनात था। ऊंची चोटियां पर ड्यूटी के दौरान अपने वतन के लिए महज 30 वर्ष की उम्र में यह जवान शहीद हो गए हैं। शहादत से पूरे इलाके में गमगीन का माहौल बन चुका है। शहीद धर्मेंद्र सिंह वर्ष 2011 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, जिन्होंने करीब 11 वर्ष लगातार देश की सेवा देते आए। लेकिन दुख की बात यह है कि अब हमारे बीच नहीं रहे। 3 दिसंबर 2022 को यह जवान देश की सेवा देते हुए अपना प्राण की आहुति दे दिए। शहीद का पार्थिव शरीर सेना के गाड़ी से राजकीय सम्मान के साथ सोमवार को 5 दिसंबर को सुबह करीब 9 बजे इनके गांव में पहुंचेगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताते चले कि इनके पैतृक गांव मुड़ियावास में अंतिम यात्रा के रूप में सुबह 9 बजे पहुंचेगा। सिपाही धर्मेंद्र सिंह 3 दिसंबर को देश की सेवा देते हुए शहीद हो गए। राजकीय सम्मान के साथ ग्राम मुड़ियावास के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में खेल के मैदान के आगे सार्वजनिक श्मशान भूमि पर शहीद का अंतिम संस्कार होगा। विदित के लिए, शहीद धर्मेंद्र सिंह 12वीं कक्षा दाता रामगढ़ के निजी विद्यालय में 2009 में उत्तीर्ण हुए थे। शहीद धर्मेंद्र सिंह का एक 4 साल का पुत्र रिद्धिमान है। धर्मेंद्र सिंह का पिता स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह दिल्ली पुलिस में अपना सेवा दे चुके हैं। शहीद सिपाही धर्मेंद्र सिंह के पिछले 1 वर्षों से जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में तैनात थे। उनके परिवार में अभी भी उनके 2 भाई हैं। अपने पिता को खोकर शहीद के परिवार में 3 भाइयों थे। धर्मेंद्र 3रे नंबर पर था। दुख की बात यह है कि यह जवान के वर्ष 2015 में शादी हुए थे। महज शादी के 7 वर्ष बाद यह जवान देश की सेवा देते हुए अपना प्राण की आहुति दे दिए। शहीद का एक मासूम बेटा है जिनका नाम रिद्धिमान है, जो भी के 4 वर्ष की उम्र में एक मासूम बेटे के छोड़कर हमारे देश के लिए स्वर्गवास हो गए। अगर शहीद जवान धर्मेंद्र सिंह शेखावत के लिए आप लोगों को जरा सा भी रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान धर्मेंद्र सिंह शेखावत को आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहनशक्ति दे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि शहीद जवान का अंतिम यात्रा में लोग हजारों 10,000 जनसैलाब उमड़े और सभी नम आंखों से विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, गुड बाय। जय हिंद भारत माता की जय।